बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा, उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात, 113वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। आज पीएम मोदी करेंगे महाराष्ट्र का दौरा, जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, राजस्थान के जोधपुर भी जाएंगे पीएम। मथुरा में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का होगा शुभारंभ, गुब्बारा उड़ाकर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। मथुरा में सीएम योगी 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, कई प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। जन्माष्टमी पर सीएम योगी का बड़ा निर्देश, यूपी के सभी थानों जेल में मनेगी जन्माष्टमी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी, कल ही सीबीआई ने दर्ज किया है वित्तीय गड़बड़ी का केस, कोलकाता में 15 जगहों पर जारी करे। कोलकाता रेप हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय राय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, सूत्रों के मुताबिक जेल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ व्यवस्था की वजह से कल नहीं हो सका था टेस्ट। एमपी में बुलडोजर कार्रवाई को ओवैसी ने बताया गलत, कहा हाजी शहजाद पर बुलडोजर एक्शन सही नहीं है, बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, एमपी में जल तख्ता पलट होगा। बांग्लादेशी हिंदुओं पर असम के सीएम हेमंता ने दिया बयान, बोले बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे हैं, एक भी हिंदू ने घुसपैठ नहीं की, एक महीने में 35 मुस्लिमों की घुसपैठ। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन, परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, आज भी अभ्यर्थियों की भारी भीड़। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, छत्तीसगढ़ राजस्थान एमपी हिमाचल गोवा समेत कई राज्यों में अलर्ट। राजस्थान के धौलपुर में आंगई पार्वती बांध से पानी की निकासी जारी, 10 गेट खोलकर 483 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल, चारों तरफ फैला पानी ही पानी, गांव में कटाव से परेशानी। यूपी के बिजनौर में बड़ा रेल हादसा, टला किसान एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बटी, यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची, गार्ड सहित 13 डिब्बे चक्राजमल के पास छूटे। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी बस में मारी टक्कर, हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल, 8 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। यूपी के अमेठी में युवती से रेप, धर्म परिवर्तन का बना रहे थे दबाव, धर्म परिवर्तन ना करने पर दी हत्या की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के अम्बेडकर नगर में डॉक्टर की ट्रेनिंग में मरीज की मौत, ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी तबियत, नाराज परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर मौके से फरार। यूपी के बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान दिया घटना को अंजाम, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। न्यू मेक्सिको में बंद पड़े कूलिंग टावरों को किया ध्वस्त, नियंत्रित विस्फोट से 400 फुट के 4 टावर को किया जमींदोज। जी।